सुप्रभात पिला माने ऑनलाइन क्लास रे मो तुम समस्त को स्वागत करूची। आज आम कह कथाटी पद्यर अभ्यास आलोचना करवा। प्रश्न एक उत्तर कह क माँ पु को कौन कही संबोधन करी को बाप गंठीधन सरगर तरा सरगर झरा फूल ओ लवणी पुतुला आदि कही संबोधन करी। ख धूलीमाटी रे पिला कौन सब गढ़ी थाए उत्तर साधारणतः पिला माने धूली रे खेलिबा को भल पाती। धूलीमाटी रे से माने घर पशु पक्षी देवता देवल आदि गढ़ी खुशी रे सांगसाथींकर सहित खेली था। ग सारला दास काहीं की प्रसिद्ध उत्तर शूद्रमुनि सारला दास आदिकवि भावे ओडिया साहित्य रे प्रसिद्धि लाभ करिसंती। से ओडिया भाषा रे महाभारत चंडी पुराण बिलंका रामायण रचना करी ओडिया साहित्य को समृद्ध करिसंती। घ प्रश्न प्राचीन ओडिशार केते जन वीरंकर नाम कह उत्तर हैला प्राचीन ओडिशार परपुत्र माने हेले महामेघवाहन ऐर खारवेल कांची विजयी गजपति पुरुषोत्तम देव पूरी मंदिर निर्माता अनंग भीमदेव एवं केशरी वंशर श्रेष्ठ सम्राट जजाति केशर। प्रश्न ओडिशार तीनोटी प्राचीन मंदिर नाम कह उत्तर विश्व प्रसिद्ध पुरीर जगन्नाथ मंदिर कोणार्कर सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। दुई नंबर प्रश्न दुई बा तीनोटी वाक्य उत्तर दि। क पुओ को लवणी पितुला कहिबार अर्थ कौन उत्तर लवणीर अर्थ हैला लहुणी जहाँ अत्यंत कोमल और मधुर शिशुर शरीर लहुणी पोरी कोमल बात्सल्य ममतारे भरा हृदय नहीं माँ ता अति स्नेहरे पुओ को लवणी पितुला बोली संबोधन करिसंती। ख ओडिया माने बड़ कारीगर थिले बोली किपरि जणा पड़ुची उत्तर ओडिशार प्राचीन मंदिर दुर्ग राजबाटी निर्माण रे अपूर्व कलानैपुण्य और कारीगरी कौशल प्रमाण करे जे उत्कलीय माने ही बड़ कारीगर थिले। मंदिर गात्र मानकरे खोदित अपूर्व शिल्प चातुरी ओ दुर्ग राजप्रसाद ओ बंध आदि रे प्रयोग कला भास्कर्य यहार प्रमाण करे। ग पुओ को माँ प्राचीन ओडिशा विषय रे कहिबार उद्देश्य कौन उत्तर प्राचीन ओडिशार परपुत्र माने थिले से माने कला साहित्य कारीगरी कौशल वीरत्व धर्म सब क्षेत्र रे शीर्ष स्थान अधिकार करी समग्र विश्वरे कीर्ति स्थापन करी जाइछंती। सेमानक आदर्शरे अनुप्राणित होई मातृभूमि ओ मातृभाषार सम्मान रक्षा दिगरे व्रती हेबा संगे पुअर उज्ज्वल भविष्यत कामना करी माँ प्राचीन ओडिशार गौरव संपर्क वर्णना करिछंती। घ पुओ किपरि ओडिया बोली गर्वर सहित मथा टेकी चली पारिबो उत्तर जो संतान तार पितृ पितामहक पदांक अनुसरण करी ज्ञान बुद्धि और वीरत्व प्रदर्शन करी थाए से उपयुक्त दायात भावरे गर्वर सहित मथा टेकी चली थाए। प्राचीन ओडिया माने वीरत्व चारुकला कारुकला और मातृभाषार अक्षय कीर्ति अर्जन करी जाइछंती। से ही पूर्वपुरुष मानक गौरव गाथा स्मरण करी मातृभूमि और मातृभाषार सेवारे निजकु उत्सर्ग कले पुओ गर्वरे मथा टेकी चली पारिबो बोली तार जननी आह्वान करिसंती। ओ संज आळतीरे जळे तो तांकरी बती कहिबार तात्पर्य कौन उत्तर उत्कलीय कारुकला शिल्प शिल्पी प्रशस्त गात्रे अपरूप कला सृष्टि करी जाइछंती। मंदिरर राज्य ओडिशा पुरपल्ली संध्या आरती बेले लक्ष लक्ष भक्त और पर्यटक मंदिर सम्मुखें समवेत होई
ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣର ଜୟଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପକଳା ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମ୍ବର 4, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ସମଚାରିତ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତା'ର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ଲେଖିନିଅ କୁଳ ବଂଶ କୁଳ ତଟ ଗୁଣୀ ଭାଳି ବା ସ୍ମରଣ କରି ଗୁଣୀ ଗୁଣବାନ ବା ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ସର୍ଗ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ପରିଚ୍ଛେଦ ସ୍ୱର୍ଗ ମହାକାଶ ବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀ। ନମ୍ବର 5, ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଗୋଷୀବାପା ଗୋଷୀମା ପୁରୁଷ ନାରୀ ବା ମହିଳା ଦାଦି ଖୁଡ଼ି ବୀର ବୀରାଙ୍ଗନା। ନମ୍ବର 6, କର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଯେପରି କର୍ମ ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା। କୀରତି କୀର୍ତ୍ତି ହରଷ ହର୍ଷ କୌତୁକ କୌତୁକ ନିରିମଳ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ। ନମ୍ବର 7, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର, ମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଚେତା ରାସ୍ତାରେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖି ପିଲାଟିର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଖର ତେଜରେ ଜଳାଶୟ ସବୁ ଶୁଖିବାରେ ଲାଗିଛି। କୀର୍ତ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମନୋହର ହରିଶଙ୍କରର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତି ମନୋହର। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା।